You said उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं और आज है जुमे का दिन और जब सारे घर का तकरीबन काम हो गया हुआ था तो उसके बाद हेल्पर्स आए तो मैंने उन्हें कहा कि काम ना ज़रा बाद में शुरू करना और आज सबसे पहले तो मेरे ज़रा सरपरना तेल लगा के अच्छी सी मालिश करो तो फिर साथ ही मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने मुंह की ना थोड़ी सी लिशकियाँ पिशकियाँ करूँ काफ़ी स्किन ख़राब हो रही है तो मैं अपना सारा साजो सामान लेके बैठ गई तो जी सबसे पहले मैंने की क्लिनजिंग शुरू और क्लिनजिंग मैंने की थी दही से शुरू क्योंकि दही और कच्चे दूध से अच्छी क्लिनज़र तो कोई भी नहीं है मैं तो हमेशा जो होता है ना जब भी दूध आता है तो कच्चे दूध से ही अपनी ना फेस की क्लिनजिंग करती हूँ तो इस वक्त मैंने ना दही से अपनी जब क्लिनजिंग कर ली ना तो फिर उसके बाद मैंने ना सबसे पहले मैंने कहा चलो उपटन लगाती हूँ आज तो मैंने सही गनी वालों का उपटन इस्तेमाल करती हूँ वो भी संधल वाला वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे है वो जो नारंगी वाला है उसके भी रिज़ल्ट अच्छे लेकिन ये संधल का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा और इसकी जो खुशबू है ना वो भी बहुत अच्छी है तो मैंने सिर्फ जो है ना उपटन को सिर्फ अरके गुलाब में ना मिक्स करके ना उपटन लगा लिया क्योंकि मुझे था ना कि मैं बाद में भी ना अपना अच्छा सा पैक बना के लगाऊँगी लेकिन जी पैक की तो मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं क्योंकि आज था जुम्मा और बच्चों भी आ जाना था जल्दी और खाना भी पकाना था और नहाना धोना भी था नमाज वग़ैरह भी पढ़नी थी और साथ मैंने सपारा भी पढ़ना था सपारा तो नहीं सो काफ पढ़ती हूँ वो मैंने पढ़नी थी और उस पर भी तकरीबन मुझे पंद्रह बीस मिनट लगते हैं तो फिर बस मैंने ना रखा सारा सामान था लेकिन काम सिर्फ मेरा यहीं फिक्र हुआ बस इतना ही मैंने किया था तो बच्चों के आने में न सिर्फ आधा घंटा रह गया हुआ था तो अब मुझे पता था कि जी आज फ्राइडे था तो बच्चे इतना नाश्ता सही तरह नहीं करके गए हुए थे और जी ये देखे जी प्रिंसेस मेरे साथ बैठी हुई थी कि मैं क्या कर रही हूँ तो इस वक्त वैसे ना प्रिंसेस थोड़ी सी सुस्त हुई हुई थी इसको ना आ रही थी नींद क्योंकि इसको मैंने अभी दिया था खाना खाने के लिए और जब ये खाना खा लेती है ना तो उसके बाद ये इसको आ जाती है नींद इस वक्त वो मुझसे करा रही थी लाडियाँ और फिर उसके बाद एमन सो रही थी तो मैंने एमन को उठाया कि अब ना बारह बज गए उठ जाओ और क्या नाम मैं छोटे बहन भाई आने वाले हैं स्कूल से तो मैं खाना पका टाइम नहीं उठी थी दूसरे टाइम उठ रही थी हाँ मैं। मैंने सुबह नाश्ते के लिए उठी थी और फिर सो गई थी तो क्या ना मैं और उसके बाद मैंने फिर इसे कहा कि अब उठ जाओ दोबारा से तो जी आज था फ्राइडे तो आज बनना था कुछ स्पेशल खाना क्योंकि फ़्राइडे और संडे बनता है स्पेशल क्योंकि फ़्राइडे को जी मैं स्पेशल इसलिए बनाती हूँ कि बच्चों को फ्राइडे की अहमियत का पता चले कि जी जुमे वाला दिन भी कोई हमारे लिए स्पेशल दिन है क्योंकि इस्लामी लिहाज से जो जुम्मा है ना वो सबसे अफजल दिन है तो बच्चों को पता होना चाहिए कि जी उस दिन नहाना धोना होता है और इसलिए मैं खाना भी हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि जुमे वाले दिन कुछ अच्छा बनाऊ तो जी आज बन रही थी बिरयानी और बिरयानी आज इसलिए बनी कि उसके पीछे भी एक रास है कल मैं सोचा कि जी मैं ऐसा करते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना चैलेंज करते हैं बिरयानी का तो हम मंगाने लगे बाज़ार से बिरयानी तो मैंने कहा कि अच्छा रहने दे कल करेंगे आज छोड़ देते हैं कि कल मैं खुद घर में बिरयानी बनाऊंगी कल है फ्राइडे तो कुछ बनाना भी अच्छा है तो चले मैं कल बिरयानी बना लूँगी तो कल ही चैलेंज करेंगे घर की बिरयानी का तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तो फिर आज मैंने इसलिए स्पेशल बनाई बिरयानी और थोड़ी सी स्पाइसी भी है क्योंकि आज हमने चैलेंज करना है तो अग, इससे अगली वीडियो जो होगी ना वो बहुत मज़े की है वो मिस मत कीजिएगा क्योंकि उसमें है बिरयानी चैलेंज और इधर जो है जी बिरयानी की रेसिपी मैंने आप लोग को बहुत दफ़ा दे चुकी हुई हूँ और मेरी बिरयानी वैसे बनती भी बहुत मजे की है जरा मेरे तरीके से एक दो दफ़ा बना के देखेगा तो बहुत मजे की बिरयानी बनती है और मेरे बच्चों की भी फेवरेट है बिरयानी क्योंकि और मेरे हस्बैंड के फेवरेट है पुलाओ लेकिन हम कोशिश यही करते हैं बिरयानी इसलिए तो मैंने उनसे चैलेंज करवाया है कि मुझे पता है पुलाओ उन्होंने ज़्यादा शौक से खाते हैं बिरयानी शौक़ से नहीं खाते और मैं चैलेंज जी जाऊँगी <laughs> इसीलिए तो मैंने इसलिए तो मैंने बिरयानी चैलेंज रखा है तो इधर जी मैंने बिरयानी को लगाया दम और जितनी देर मैंने कहा मैं फटाफट जाके नहाया हूँ ताकि नमाज का टाइम गुजर रहा है और ये है जी प्रिंसेस का खाना और ये प्रिंसेस का खाने में है चिकन और आलू और है चावल इन सब को मैंने उबाल लिया है अब इसको मैं अच्छे से मैश कर दूँगी और इधर जी मग, जोहर की मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद काफ़ पढ़ी तो और मैंने उधर बच्चों को कह दिया कि मैं इधर सो काफ पढ़ रही हूँ तो आप उतनी देर में ना रायता तैयार कर लेना ताकि ना फिर सब खाना खाएँ तो ये इधर एमन ने ये है कि जी मैंने हरे धनिया की जो चटनी है ना वो बना के रख लेती हूँ ताकि आराम से जो है ना रायता बन जाए तो इधर एमन को क्योंकि मैं हम लोग ज़्यादातर आपके सामने आपने देखा ही होगा कि हम सब्जियों वाला रायता ज़्यादा शौक़ से खाते हैं तो इधर एमन जो है ना वो रायता तैयार कर रही है जी इधर ना जुम्मे के दिन से मुझे एक बात याद आई है मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ जब मेरे बच्चे छोटे होते थे ना तो जब उनको जुम्मे वाले दिन स्कूल से आते होते थे ना तो मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं जुम्मे वाले दिन ना मशीन लगा लूँ ताकि कपड़े धो लो आगे जो हफ़्ता तो आ रहा है ना वो मेरा ज़रा ना सुकून से गुजरे तो एक दिन मुझे किसी ने कहा कि जी आप ना जुमे वाले दिन ना मशीन ना लगाया करें जुमे वाले दिन ना मशीन कपड़े धोने से ना रिजल्ट में ना कमी आती है और जी मनूसत होता है बड़ी बड़ी उन्होंने ना मुझे इस तरह की बातें कहीं तो मैंने उसके बाद ना कपड़े ना जुमे वाले दिन ना धोना छोड़ दिए एक दो हफ़्ते मेरे हस्बैंड ने देखा उन्होंने मुझे पूछा तुम तो हमेशा पहले जुमे वाले दिन मशीन लगाती होती थी कि यूनिफॉर्म जुमे वाले दिन ही धुल जाए तो फिर मैंने उन्हें बताया तो वो मेरे पे इतने हंसे और उन्होंने कहा कि तुम इन बातों को यकीन करती हो ऐसा हो सकता है तो मैंने कहा नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि जुमे वाला दिन इतना अफजल दिन होता है उस दिन हम सफा तमाम अपना सफ़ाई करते हैं नहाते धोते हैं तो ये कैसे मुमकिन है सफ़ाई हमारे नफ्स ईमान है तो बताओ कि ये कैसे मुमकिन है कि जी जुमे वाले दिन जी कपड़े धोने से जो है ना मनूसत होती है या रिस्क में कमी आती है तो आप भी मुझे बताएगा कि आपको इस तरह की बातें कोई कहता है तो आगे आप मे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए अल्लाह हाफिज़